भाई साहब कैसा स्पीच दिए हमरा शेर भाई साहब, ऐसा कोई दिए नहीं आज तक कोई भी पीएम लाल किले में जो दिए हैं भाई साहब। सब ऐसा बड़का बड़का बात बोले, सब स्वतंत्रता सेनानी बड़का बड़का भाई साहब, सबका नाम लिए सबका। देखो भाई हद ही करती है। चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, अनगिनत बिस्मिल हैं भाई साहब। रूह भी का लियाकत भाई साहब, रूह भी का लियाकत बोले, टेलीप्रांटर में देखे बिना बोले इतनी देर तक बिना टेलीप्रांटर के। शायद इसकी वजह से ही जो बिस्मिल जो हो गए ना, शायद इसकी वजह से ही वो नीचे देख रहे थे ना, ऐसे नीचे देख देख के ऐसे ऐसे बोल रहे थे वो, तो कोनो कोई चीज रहे होंगे नीचे वो, पर टेलीप्रांटर में देख के नहीं बोले भाई साहब, इसके वजह से ही वो बिस्मिल। और ये लोग का ही सभी टुकड़ा टुकड़ा ही एंटी नेशनल देख रहे हैं, गद्दार लोग जो सब देशद्रोही। नेहरू का नाम तो लिए ही नहीं, नेहरू का नाम लिवाएगा जरूर, चाहे हमरा शेर के जिम में छाला पड़ जाए। नेहरू का हमरे शेर का छापत हो गए, नेहरू का नाम लो तो मरे, लो तो मरे, नाम लो तो मरे, अच्छा हो गए नेहरू। कहाँ नेहरू और कहाँ हमरा शेर बताओ। ओ उल्टा उल्टा हो गए, कहाँ नेहरू कहाँ हमरा शेर भाई साहब। नेहरू नेहरू करता रहता है एकदम। देखो क्या बोला, नेहरू ही बनाए मोदी बेच दिए, नेहरू ही बनाए मोदी बेच दिए, नेहरू बनाए मोदी बेच दिए। क्या बनाने में ही मेहनत लगता है, कोई बेचने में कोनो मेहनत ही नहीं लगता का नहीं, 18-18 घंटा भी कम पड़ जाता है बेचने में ही जो बोल रहा है। और क्या हमारा शेर मोर को दाना चुगाता रहता है 18 घंटा भाई साहब, पूरा मेहनत लगते हैं। नेहरू नेहरू में तो भाई साहब ऐसा गंदा गंदा आदत रहे बता नहीं सकते हम, कितना गंदा गंदा सब है हमारे भाट साहब में, सब नेहरू का वो सब ऐसा गंदा गंदा। और बता नेहरू तो क्या करते भाई साहब, विदेश में भी ऐसा बिहेव करते थे, कंपेरिजन नहीं कर सकते कोई। जब वो विदेश जाते थे ना नेहरू, तो दूसरे देश के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन होते हैं भाई साहब, उन लोग को अपनी तरफ को चलवाते थे। अब वहीं खड़ा रहेगा आदमी, वो देश का वो राष्ट्रपति पीएम सब चल के आएगा, तब वो आके वो नेहरू से हाथ मिलाएगा, ऐसा बिहेव करते थे हमरा शेर भाई साहब। हमरा शेर भग के जाता है एकदम सब की तरफ, वो गले पड़ता है एकदम, गले मिलता है भाई साहब, गले चलवाता नहीं है दूसरे देश के वो राष्ट्रपति पीएम को, सब बेचारे लोग जो अपने आप खुद चल के जाएगा भाई साहब, हाथ पकड़ लेगा वो, हाथ नहीं छोड़ेगा वो, ऐसे करता रहता वो छोड़ता नहीं है भाई साहब, गले मिलता। ऐसा नेहरू करता था, ऐसा नेहरू नेहरू कर रहा है हमारे शेर का, ऐसा ऐसा आदत है। गंदा आदत देखे वो देखे जो हम व्हाट्सएप में भाई साहब चुम्मी देते रहते थे हर टाइम, चुम्मी चुम्मी भाई साहब, कहो बेशरम आदमी। अपना स्मृति पे जोर डालो, स्मृति पे जोर डालो पूरा पूरा, हमको बताओ हमरे शेर ने किए ऐसे गलत काम ये जो सब है कहो भाई साहब। ना तब किए जब वो हमारा शेर उस सीएम रहे, ना अब किए जब वो पीएम है, वो नेहरू करता था ये सब जो। नेहरू का नाम नहीं लिए, नेहरू का नाम नहीं लिए। वैसे सच्ची बताएं हमको बड़ी हाई लगी, नाम नहीं लिए ना वो, देखे हम स्पीच लाल किले वाला, बोले ही नहीं, देश के फर्स्ट पीएम का नाम ही नहीं बोले, मुझे ही बोलता है कांग्रेस ही जाओ आजादी में गए जेल गए, नाम ही नहीं लिया हमारा शेर। देखो कृतज्ञ है पूज्य बापू के, नेता श्री सुभाष चंद्र बोस के, बाबा साहब अम्बेडकर के, वीर सावरकर के, लिए कोई नेहरू का लिए ही नहीं, सब शुरू से लास्ट तक सबके गिनवा दिए, हमको तो बढ़िया ही लगे हैं। अब भाई नेहरू छोड़ो, ये नेहरू नेहरू ये जो बोला इतना बढ़िया बढ़िया बात बोले हैं, ये नेहरू का ही पीछे पड़ा भाई साहब स्पीच में एक से पढ़ के भाई साहब। परिवारवाद पता क्या बोला हमने शेर, परिवारवाद खत्म करना बहुत जरूरी है देश में से, बीजेपी में से नहीं देश में से खत्म करना जरूरी है। इस वजह से ही बीजेपी में ला रहा हूँ सब सबको, जो ये परिवारवादी जो होते हैं ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, कौन कौन कितना सारा नेता हूँ सबको ला रहा है, तो तभी तो खत्म होगा देश में से। जब बीजेपी में आ जाएगा तो देश में से खत्म हो जाएगा भाई साहब, मास्टर स्ट्रोक सिंपल एकदम भाई साहब। और खाली परिवारवाद ही नहीं भाई साहब, इमोशनल हो गया हमारा शेर भाई साहब,
हमको भी वो ललिता तो रोने लगे थे भाई साहब, हमको भी वो आंसू आ गए भाई साहब। ऐसा बात बोले, बोले दिल का बात बोल, दिल का दर्द बोलने हैं भाई साहब। लेकिन भाइयों बहनों, मैं लाल किले से मेरी एक पीड़ा और कहना चाहता, ये दर्द मैं कहे बिना नहीं रहता। मैं जानता हूं शायद लाल किले का विषय नहीं हो सकता। बोलो, और हम लोग से नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? देखो, लेकिन मेरे भीतर का दर्द मैं कहां कहूं? देशवासियों के सामने नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा भाई साहब? लेडीज लोग के रेस्पेक्ट भाई साहब, लेडीज लोग का रेस्पेक्ट भाई साहब, नारी का अपमान ऐसे वीडियो भाई साहब। हमारे गरीब देश में ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, नहीं ये गलत चल गए शायद, लेडीज लोग के रेस्पेक्ट के भाई साहब हमने शेर का दूसरे वीडियो को चला रहे हैं, रुको वो चला रहे हैं, ये वाले देखो। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी नहीं, जिसके खाते में रुपया जाता था? चला रहे हैं लेडीज लोग का रेस्पेक्ट, दिखाएंगे रुको, ये देखो ये सही चलेंगे। ना, ये गलत, लेडीज लोग के रेस्पेक्ट को बोले हैं, चलाएंगे हम अभी, दिखा रहे हैं हमारा शेर तो भाई साहब लेडीज लोग के रेस्पेक्ट को बोल रहा था लाल किले में। और भाई साहब गुजरात में वो बिल्किस बानो का जो रेप करने वाले लोग थे ना, वो 11 भाई साहब सबको छोड़ दिए, वो जेल में से निकाल दिए, वो मर्डर किए थे बिल्किस बानो के, वो कौन फैमिली को प्रेग्नेंट रहे वो बिल्किस बानो, वो रेप किए थे। लेडीज लोग का रेस्पेक्ट करने को बोले कि करने चाहिए सबको, बिल्किस बानो को निकाल दिए। वो कपड़ा से पहचानने का टेक्निक, मतलब वो अलग मैटर है, पर भाई साहब बात ऐसा बोले हैं। और ये लोग का बकवास कर रहा है सब, देख रहे हैं इतना बढ़िया स्पीच का तारीफ नहीं कर रहा, बोला ये जो ये सब फेंके हैं ना लाल किला पे से, और ये जो तिरंगा बिरंगा जो तिरंगा के खेल में लगा दिए सबको, वो हर घर तिरंगा तिरंगा तिरंगा, वो पता है वो ध्यान भटकाने की वजह से किए। ये बहुत चालाक आदमी है, वो 15 अगस्त आने से पहले ही अपना दूसरा खेल में लगा दिए कि सब जो ही तिरंगा बिरंगा में लग जाएगा, और जो हम बात बोले ना वो सब भूल जाएगा। पता क्या बोलता है? बोलता है ये मुँह खुलते हैं ना जैसे ही एकदम झूठ निकलते हैं मोदी जी के मुँह, ऐसा है कोई नहीं, सच्ची बताओ। ये नहीं कि भाई हम फैन हैं, हम भगवान मानते हैं, अपना सही बताओ एकदम, ऐसा है कोई कि मुंह खोलते झूठ निकलते हैं? ये जैसा ही बोल रहा है कि वो ध्यान भटकाने को, वो जो बोले थे 15 अगस्त 2022 जब आज़ादी का अमृत, आज़ादी का 75वां साल मनाएंगे तो सबको घर दे देंगे 2022 भाई साहब, ऐसा ऐसा वीडियो भेजा, वीडियो पे वीडियो एक दो नहीं भाई साहब, वीडियो पे वीडियो पता और क्या बोले, जिससे असली सुलगा है हमारा, पता क्या बोला कपिल शर्मा जो कॉमेडियन, वो भी भाई साहब एक ठो जोक को 2-3 बार से ज़्यादा नहीं बोलता, ज़्यादा से ज़्यादा, और ये ऐसा कॉमेडियन है इंसल्ट करता हमारे शेर का, बोला ये आदमी जो हर साल सेम जोक बोल रहा है, सेम जोक 2022 आज़ादी के 75 साल होंगे तब तक हिंदुस्तान में भाई एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा, हम दिखा नहीं सकते इतना ज्यादा है, अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। सेम बात 15 अगस्त 2022 आजादी के 75 साल 75 साल होंगे, 75 वर्ष होंगे 2022 सेम बात, भारत की आजादी के 75 साल होंगे, नहीं मकान वाला बात ही नहीं, उन्हीं चल पा रहे थे हमारा शेरू बुलेट ट्रेन भाई साहब, डेट भी दे दिए थे 15 अगस्त 2022 कल पर, कल के ही जो डेट है भाई साहब 15 अगस्त बुलेट ट्रेन चल जाएंगे बम्बई से अहमदाबाद को भाई साहब, हम तो देखने गए थे भाई साहब प्लेटफार्म पे, मतलब चलेंगे तो नहीं, काऊ बोल रहे थे कि विजिटिंग कार्ड जो आधार कार्ड से लिंक नहीं होंगे ना जो किसी के, वो बुलेट ट्रेन में नहीं जा सकेंगे, तो हम प्लेटफार्म पर खाली देखने गए कि भाई हरी झंडी दिखाएगा जब आदमी, एक तो हमको ये हरी झंडी से दिक्कत है भाई साहब, ये हरी झंडी चेंज कर देने चाहिए, सब चीज़ को जो कितना वो सब चीज़ को हरी झंडी दिखा के जो रवाना करता है ना वो अच्छा नहीं लगता हमको, भगवा झंडी कर देने चाहिए, भगवा झंडी दिखा के रवाना कर देंगे, लाल झंडी भी नहीं, लाल तो ये कम्युनिस्ट का होता है वो, भगवा
भगवा झंडी अब ऐसे होने चाहिए देश में भाई साहब, नया भारत वैसे ही है कोई, मतलब भगवा झंडी दिखा के रवाना किए, भगवा झंडी दिखा के रवाना किए। तो हम तो पहुंच गए थे भाई साहब प्लेटफार्म पे, फिर बोले वो पता नहीं कहाँ अफवाह थे कहाँ थे, बोले थे वो ज़्यादा जल्दी निकल गए, बोला ट्रेन जो है तकनीकी खराबी आ गए और अहमदाबाद की जगह जो डायरेक्ट बड़नगर जाके रुके हैं और सवारी पीछे ही रह गए। हमको लग रहे हैं हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब चलाने को बोले थे ना हमारा से चले नहीं है वो, कोरोना भी तो आ गए बीच में भाई साहब, कोरोना आ गए कैसे कैसे आप बताए हैं, इस वजह से सेंट्रल विस्टा बन रहे हैं, कोरोना में भी नहीं रुके और सब चीज, मतलब एरोप्लेन भी आ गए वो 8,000 करोड़ के, वो भी कोरोना में नहीं रुके, सब चीज हो रहे पर बुलेट ट्रेन जो है ये सब लोग को घर जो है वो कोरोना की वजह से रुक गए। पता है वो आए भाई साहब इस सर के मैसेज आए सब सब भाई साहब ऐसे ही कोरोना की वजह से हो रहे। एक मिनट राजेश ही हैं, पता है ना राजेश कैसे भेजते हैं, चिढ़ाने को भेजे होंगे कोई, देख लेते हैं फिर। मतलब अच्छा काम किए हैं हमारा शेर जो किए हैं बता रहे हैं, वो रेलवे के टिकट पे वो 1 साल का जो बच्चा होता है ना वो फुल टिकट लगा दी हमारा शेर, अब 1 साल के बच्चा पे भी लगेंगे। हाँ तो क्या गलत है भाई साहब, मोदी जी किए हैं तो सोच के किए होंगे कुछ, वैसे ही थोड़ी किए हैं, और अब भाई साहब अब 1 साल का बालक भी भाई साहब देश के विकास में कंट्रीब्यूशन करेगा, भाई साहब बड़का आदमी से कम नहीं है, 1 साल के बालक को आत्मनिर्भर बना दिया हमारा शेर भाई साहब, ऐसे होते हैं। पर वो जो पेट में बच्चा होता है वो उस पर काहे को नहीं लगाए भाई साहब, वो कब मुफ्त का रेबड़ी खाएगा वो पेट का बच्चा जो है, मोदी जी ऐसा मत करो ये पेट का बच्चा जो है उस पर भी फुल टिकट लगा दो। ललिता ही देखो का कर दिया हमारा शेर, मतलब ललिता को बता रहे हैं कि पेट में जो बच्चा उस पर काहे नहीं लगाया अभी से भाई साहब, पेट वाले बालक पे भी लगाने चाहिए, वो भी तो देश के बाद सियाचिन में तो भाई साहब जवान खड़ा है मेरा और पेट का बालक ही रेबड़ी खाएगा, बताओ लगा दो एकदम पूरा फुल 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 टिकट पेट का बालक पे भी। ललिता को ही दिखा रहे हैं।